देखिए, यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने के बाद बेरोजगारी का दंश उनको पच नहीं रहा है, इसलिए बार बार अपना ठिकरा वो महागठबंधन सरकार के ऊपर फोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस राज्य की जनता को भली भांति अवगत थी कि किस प्रकार अपराधी बेखौफ होकर के शहर की सड़कों पे घुमा करते थे। अगर कहें तो शहर में अपराध बढ़ा था और गांव में उग्रवाद बढ़ा था, तो ये था भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद स्वाभाविक तौर पे अपराधों पर लगाम लगी है, और अगर अपराध हुए हैं तो हमारी प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन भाजपा के शासनकाल में इस तरह की घटना नहीं होती थी। अपराध होते थे, वो भी सरकारी संरक्षण में अपराध होते थे। अपराधियों के गिरेबान तक भाजपा के शासन में प्रशासन का हाथ नहीं जाता था। देखिए, कल की जो घटना घटी है, अपराधी जो फरार हैं, वो अपराधी अगर जल्द से जल्द नहीं पकड़े जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति तय करेगी, आंदोलन की रणनीति बनाएगी और आगे का आंदोलन तय करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो जीतराम मुंडा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी, उन्हें न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। फिलहाल आपको बता दूं, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यही वजह है कि दिन दहाड़े अब लोगों की हत्या हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।